हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी गार्लिक मसाला पराठा और साथ में चटनी की रेसिपी बनाएंगे। ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। हम लेंगे 1 कप गेहूँ का आटा, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून तेल। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए रोटी के जैसा सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो आटा लगा लिया है, अब इसे हम ढक देंगे और गार्लिक मसाला बनाएंगे। जार में डालेंगे 15 से 20 लहसुन की कली, 2 कश्मीरी रेड चिली, 3 तीखी वाली रेड चिली। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च नहीं है तो आप 3 से 4 हरी मिर्च भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 4 पिंच हींग, 1 टेबल स्पून ऑयल। अब हम सभी को हल्का दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। हमें इस मसाले को ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो हमने मसाले को पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि इसे मैंने हल्का सा दरदरा रखते हुए पीसा है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम चटनी बनाएंगे। सेम जार में डालेंगे 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर, 1/2 कप हरा धनिया, 4 छोटी हरी मिर्च, तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नमक, तो नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो 2 से 3 लहसुन की कली और 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी और इसे हल्का सा दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। हमें चटनी को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। तो चटनी बनकर तैयार है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो गार्लिक मसाला और चटनी दोनों बनकर तैयार है, तो अब हम पराठा बनाएंगे। तो आटे को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब हम आटे को 3 भागों में बांटकर 3 लोई बनाकर तैयार करेंगे। अब हम लोई को सूखे आटे में लपटेंगे और इसे पतला रखते हुए बेल लेंगे। हमें इसे रोटी से थोड़ा पतला बेलना है। तो रोटी को हमने पतला रखते हुए बेल लिया है। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा तेल, इसे पूरी रोटी पर फैला देंगे। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच गार्लिक मसाला और इसे भी पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे। अब हम इस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम 1 इंच की प्लेट करते हुए इसे फोल्ड करेंगे। तो इसी प्रकार से हमें पूरी रोटी को धीरे धीरे फोल्ड करना है। अब हम इसे रोल करते हुए फिर से लोई बनाकर तैयार करेंगे। लास्ट में इसे थोड़ा सा खींच कर सील कर देंगे, नहीं तो पराठा सेकते समय ये फूल जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब हम इस पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा और इसे हाथ से प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर देंगे। और अब हम इसे रोलर की सहायता से थोड़ा सा बेल लेंगे।
हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो पराठा बनकर तैयार है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के दो पराठे को भी बना लेंगे। तीनों पराठे बनकर तैयार है, तो अब हम इसे सेकेंगे। गैस ऑन करके तवे को गर्म कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और पराठे को सेकने के लिए डालेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। तो थोड़ी देर बाद हम पराठे को पलटेंगे और इस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तो पराठे को आप घी में भी बना सकते हैं। तो पराठे को हम फिर से पलटेंगे और हमें इसे दोनों साइड से अच्छे से सेकना है और दोनों साइड हमें इसे तेल लगाना है। तो पराठा सिक कर तैयार है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से दोनों पराठे को भी सेक लेंगे। तो पराठे और चटनी बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को आप गर्मा गर्म सर्व करें और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।